आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीए तेजस के बारे में। कल शाम को हम लोगों ने एक क्विक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि एलसीए तेजस इस समय दुबई में है और दुबई में एक एयर शो चल रहा है। इस एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना के एलसीए तेजस ने हवा में अपने कारनामे जरूर दिखाए थे, लेकिन इस एयरक्राफ्ट का एक स्टैटिक डिस्प्ले भी लगाया गया है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी स्टैटिक डिस्प्ले को देख रहे हैं। इस फोटोग्राफ में आप एक ऐसे वेपन सिस्टम को देख सकते हैं जिसको इससे पहले एलसीए तेजस के साथ में नहीं देखा गया था, लेकिन पहली बार एलसीए तेजस के डिस्प्ले के साथ में अल्तारिक वेपन सिस्टम को भी दिखाया गया है, जिसको बेसिकली मार्क 81 और मार्क 82 बॉम्ब्स के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसके चलते ये बॉम्ब्स प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स बन जाते हैं। देखिए, मार्क 81 एक जनरल पर्पस 250 पाउंड का बॉम्ब है, वहीं पर मार्क 82 एक 500 पाउंड का बॉम्ब है और ये दोनों के दोनों बॉम्ब्स अनगाइडेड लो ड्रैग जनरल पर्पस बॉम्ब्स हैं। लेकिन अगर इन दोनों बॉम्ब्स के ऊपर अल्तारिक किट को लगा दिया जाता है तो सडनली ये गाइडेड बॉम्ब्स बन जाते हैं, यानी कि इनको किसी भी प्रकार के वेदर में, दिन में, रात में या किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में काफी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्तारिक किट में GPS और INS गाइडेंस मिल सकती है या फिर जरूरत पड़ने पर इंफ्रारेड गाइडेंस भी मिल सकती है और इन दोनों मोड्स में आप ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन या फिर सेमी एक्टिव लेजर सीकर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि अल्तारिक फैमिली में दो अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स के लिए प्रिसिशन गाइडेड किट्स हैं जो लगभग 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें मार्क 81 बॉम्ब का प्रयोग किया जाता है और दूसरा जिसमें मार्क 82 वेरिएंट का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन बॉम्ब्स को इंटीग्रेट करने के लिए किसी भी तरीके की वायरिंग और पाइपलाइंस की आवश्यकता नहीं होती है। इनका इंटीग्रेशन पूरी तरीके से वायरलेस है और ये सिस्टम पूरी तरीके से मॉड्यूलर सिस्टम है, यानी कि आप अलग अलग तरीके के अडेप्टेशन यूज कर सकते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के सीकर्स हों, अलग अलग तरीके के फ्यूज हों, वॉरहेड अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सभी में एक कॉमन एयरफ्रेम का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से आपकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो काफी कम रहती है और इसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट भी काफी कम है। अपने कॉस्ट के लिए ये किट काफी ज्यादा एक्यूरेट है और ये केवल 3 मीटर की CEB प्रोवाइड करने में सक्षम है। वैसे बेसिकली इस बॉम्ब किट को बनाने वाली कंपनी डेनेल है, जो एक साउथ अफ्रीकन कंपनी है। वहां पर इस बॉम्ब किट को उम्बानी कहा जाता है और ये 3 वेरिएंट्स में आती है। स्टैंडर्ड बॉम्ब किट जो 40 किलोमीटर की रेंज देती है, फोल्डिंग विंग किट जो 120 किलोमीटर की रेंज देती है और विंग किट विद एक्सटेंडेड मॉड्यूल जिसमें बेसिकली एक रॉकेट मोटर लगाई जाती है वो आपको लगभग 200 किलोमीटर की रेंज देती है। अल्तारिक बेसिकली इसी का एक वेरिएंट है जो इस समय UAE में बनाया जा रहा है और इसको UAE की एक कंपनी एज ग्रुप द्वारा बनाया जाता है। अगर आप विकिपीडिया में जाकर पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि एक तवाजुन ग्रुप को मेंशन किया गया है और कहा गया है कि ये होल्डिंग कंपनी इन बॉम्ब्स को UAE में बना रही है, लेकिन रियलिटी में तवाजुन एक इंडस्ट्रियल पार्क है जहां पर एज ग्रुप की ये कंपनी एस्टैब्लिश की गई है। एग्जांपल के लिए बैंगलोर में जो बोइंग का कैंपस है वो RMZ इन्फिनिटी में है और इमेजिन कीजिए कि कोई बोलता है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट RMZ द्वारा बनाया जाता है। यानी कि आप विकिपीडिया को एज एन रेफरेंस यूज कर सकते हैं लेकिन सोर्स नहीं। अल्तारिक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है और ये चीज दिखाता है कि भारत की तरफ से UAE को LCA तेजस ऑफर किया जा रहा है और अल्तारिक का डिस्प्ले में होना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इस वेपन सिस्टम के साथ में LCA तेजस की फोटोग्राफ बहुत लोगों के लिए एक सरप्राइज के तौर पर सामने निकल कर आई है, लेकिन हम लोग आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अल्तारिक कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। इसी साल फरवरी में जब एरो इंडिया हुआ था तो अल्तारिक के मेकर्स और भारत की दो कंपनीज के बीच में MOU साइन हुआ था। ये कंपनीज थी BDL और HAL, यानी कि LCA तेजस जो अल्तारिक के साथ में डिस्प्ले में लगाया गया है वो केवल दिखाने के लिए नहीं है, ये वेपन सिस्टम LCA तेजस के साथ में ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा LCA तेजस पहले बहरेन एयर शो में और अब दुबई एयर शो में जाकर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को लुभाने में लगा हुआ है और प्रैक्टिकली ये देखकर अच्छा लगता है कि आज भारत के पास में ये क्षमता है कि भारत दूसरे देशों को अपने वेपन सिस्टम ऑफर कर पा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।